केकेआर के युवा खिलाड़ी कमलेश नागरकोटी हमारे साथ मौजूद। कमलेश, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक सेकंड हाफ आईपीएल का केकेआर के लिए कैसा रहा है? अभी तक जैसे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के दो मैच से हमने बहुत अच्छे खेले और जो हमारी रन रेट है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये कि अब जो आगे के मैचेज हैं उसको भी हमने अच्छे से खेलना है और जीतना है। और आगे के मैचेज के बारे में बात की जाए, देखिए अबू धाबी के मैचेस खत्म हो गए, अब आगे के मैचेस शारजा में खेलेंगे और दुबई में खेलेंगे, तो वहाँ के कंडीशंस कैसे डिफरेंट रहेंगे कम्पेयर टू अबू धाबी के कंडीशंस? एक तो मेन चीज़ है जो ग्राउंड है वो थोड़ा छोटा है शारजा का, तो उसमें यही रहेगा कि आपका जो प्लान रहेगा और जो आपका एग्जीक्यूशन रहेगा वो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उसमें। तो वो चीज़ ट्राई करेंगे कि वो चीज़ हम लोग इम्प्रूव करें, वो चीज़ अच्छी करें, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। और दिल्ली के खिलाफ आफ्टरनून गेम है, लास्ट आफ्टरनून गेम है, यूएई की गर्मी में प्लेयर्स एडजस्ट कैसे करते हैं? आई थिंक एक तो ऐसा रहता है कि इंडिया में भी सेम अब देखा जाए तो गर्मी में ही खेलते हैं प्लेयर्स, तो जो इंडियन है उनको थोड़ा इस चीज़ पे यू नो क्या कहते हैं कि रेगुलर खेलते हैं इस पर तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जो बाहर के जो हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट जो हमारे बाहर फिजियो और वो हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं कि कैसे गर्मी से इनको सही किया जाए, तो वो चीज़ हम लोग से इम्प्रूव करते हैं। और जैसे आपने कहा, देखिए सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहा है, दो मैचेस हम लोग जीते एक हारे, लेकिन बहुत ही करीबी मामला था। दिल्ली की चुनौती के लिए टीम कैसे तैयारी कर रही है? वही है, जो भी हमारे प्लान रहेंगे उनके अगेंस्ट और जो भी हमने प्लान किया है, और ट्राई करेंगे कि वो चीज़ हम एग्जीक्यूट करने की ट्राई करें और जो भी हमने प्लान किया उस चीज़ को थैंक यू वेरी मच कमलेश, आपको और टीम को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।